Hello and welcome to my YouTube channel Viewer Video Editing with Vipin Bansh, and today we are going to talk about something very special। बहुत ही special चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे, उसको देखेंगे कि मैंने उसको कैसे बनाया है। और इससे पहले कि मैं आपको चीज़ दिखाऊं कि वो क्या है, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो वो आप तक ज़रूर पहुँचे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं वो ऐसी धमाकेदार चीज़ क्या है जो कि आज हम देखने वाले हैं। सो वो है एक प्रोमो। सो लेट्स वॉच इट फर्स्ट। आई होप कि ये प्रोमो, ये ट्रेलर आपको बहुत पसंद आया होगा। और आज हम जानेंगे कि मैंने उसको बनाया कैसे, कैसे मैंने वीडियो एडिटिंग में इसको डिज़ाइन किया है विद द हेल्प ऑफ म्यूज़िक। सो गाइज लेट्स जंप इनटू आवर वीडियो एडिटिंग। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में एडिट कर सकते हैं, चाहे वो फाइनल कट प्रो हो, चाहे एडोब प्रीमियर प्रो हो, चाहे जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त DaVinci Resolve हो। आई लव DaVinci Resolve बिकॉज इट्स वेरी ईजी, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मुझे बहुत ही पसंद है सॉफ्टवेयर, और इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे दिए हैं जो कि बाकी सॉफ्टवेयर्स में नहीं मिलते हैं ज़्यादातर, जैसे कि कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शंस बहुत ही अच्छी होती है सॉफ्टवेयर के अंदर। सो हम जंप करते हैं अपने इस प्रोमो की तरफ, इस ट्रेलर की तरफ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये टाइमलाइन दिखाई दे रही है मेरे इस एडिटिंग की, सो यू कैन सी देयर आर थ्री एलिमेंट्स इन दिस ट्रेलर। तीन एलिमेंट है इस ट्रेलर के अंदर। द फर्स्ट एलिमेंट इज़ द ग्राफिक्स जो कि मैंने डिज़ाइन किए हैं एडोब आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। द सेकंड थिंग इज़ वीडियो, जो कि हमारे व्लॉग में से उठाए हुए अच्छे अच्छे शॉट्स हैं, कुछ एक्शन पैक्ड शॉट्स हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो है म्यूज़िक डिज़ाइनिंग। सो हम आज बात करेंगे म्यूज़िक डिज़ाइनिंग के बारे में, किस तरीके से हम म्यूज़िक को डिज़ाइन करके अपने वीडियो को, अपने ट्रेलर को सिनेमेटिक फील दे सकते हैं। वी कैन मेक इट लुक लाइक ए सिनेमैटिक प्रोमो, लाइक ए फिल्म प्रोमो, हॉलीवुड प्रोमो। ओके सो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो म्यूज़िक मैं यूज़ करता हूं वो म्यूज़िक मुझे मिले हैं आर्टलिस्ट की ओर से, यानी कि मैंने आर्टलिस्ट का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। आप सभी को मैं दिखाना चाहता हूँ, दिस इज़ द वेबसाइट। और आज की इस वीडियो का आर्टलिस्ट से हालांकि कोई लेना देना नहीं है, बट इवन देन आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट दिस वेबसाइट बिकॉज आई लव दिस वेबसाइट। इट्स वेरी इजी टू यूज़। इस वेबसाइट के अंदर अकॉर्डिंग टू योर मूड, योर वीडियो थीम, इफ़ यू वांट ओनली इंस्ट्रूमेंटल्स, इफ़ यू वांट वोकल्स, जिस भी तरीके से आप फिल्टर करके चाहे अपने लिए म्यूज़िक ढूंढ सकते हैं। जो भी आपको, जिस भी तरह का, जिस पेस का, जिस फील का म्यूज़िक चाहिए, हर तरह का आपको म्यूज़िक इसमें मिलता है। सो आई यूज़ इट। एनुअल बेस्ड सब्सक्रिप्शन मैंने इस वेबसाइट का लिया हुआ है आर्टलिस्ट, एंड इट्स वेरी अमेजिंग। साउंड इफ़ेक्ट्स आर आल्सो देयर। जो भी साउंड इफ़ेक्ट्स आपको चाहिए वो सब साउंड इफ़ेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो गाइज लेट्स जंप इनटू आवर एडिटिंग थिंग। सो नाउ वी आर इन द DaVinci Resolve, और हम एक बार फिर से इस प्रोमो को डिज़ाइन करेंगे। कुछ अलग तरीके से भी कर सकते हैं, बट वी विल ट्राई टू मेक इट अगेन। एज यू कैन सी देयर आर थ्री एलिमेंट्स, और हम सभी थ्री एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। और इस थ्री एलिमेंट्स में से जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है म्यूज़िक डिज़ाइनिंग। किसी भी ट्रेलर या किसी भी प्रोमो को अगर आप बहुत ही इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आपकी म्यूज़िक डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। सो गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू मेक अ टाइम लाइन। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू टाइम लाइन हियर। आई एम सेइंग इट ट्रेलर 2, और मैं इसकी सेटिंग्स को थोड़ा चेंज करूंगा। इसको मैं हाई डेफिनेशन पर रखूंगा। आप देख सकते हैं बैक साइड में ये इंस्टाग्राम के पोस्ट के हिसाब से 1:1 फॉर्मेट में मैंने एडिट किया था। दिस टाइम आई एम टेकिंग इट टू द हाई डेफिनेशन फॉर्मेट, और इसको मैं 30 फ्रेम्स पे ही रखता हूँ। दैट्स ओके, नथिंग आई एम गोइंग टू चेंज। आई एम जस्ट हिटिंग क्रिएट, और ये हमारे ट्रेलर 2 की टाइमलाइन रेडी हो चुकी है। जो म्यूज़िक मैंने इस प्रोमो के लिए, टीज़र के लिए डाउनलोड किया था आर्टलिस्ट की लाइब्रेरी से, वो म्यूज़िक यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर लेता हूँ आपको सामने। यू कैन सी दिस इज द म्यूजिक पीस। इफ यू वांट टू चेक द ड्यूरेशन, तो इस ट्रैक का जो लेंथ है वो है 1 मिनट 11 सेकंड और 1 फ्रेम। सो हमें क्योंकि प्रोमो अपना टीजर जो है वो अराउंड 20 सेकंड्स या 25 सेकंड्स तक मैक्स रखना है। सो हम सबसे पहले करेंगे म्यूजिक को डिज़ाइन, और हम स्टार्टिंग से म्यूजिक के बाद सुनेंगे। You can see there are mild beats, और इस एरिया से हमारा म्यूजिक बीट अप हो जाएगा। सो इनिशियल इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो म्यूजिक बीट्स हैं बहुत ही माइल्ड है, और यहाँ से एज यू कैन सी द ग्राफ वेव फॉर्म ऑफ द ऑडियो, यहाँ से हमारे म्यूजिक का जो बीट है वो बहुत ही हाई हो जाता है, अप स्केल हो जाता है बहुत ज़्यादा। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक नॉर्मल बीट से, उसके बाद हम उसको ज्वाइन कर देंगे अपने हाई बीट से। तो यहाँ पर हम इसको कट करेंगे ऑडियो को। एज यू कैन सी मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, और मैं दिस इज़ माय हाई बीट स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने बीच के ट्रैक को दिया डिलीट, और मैं इनको कर देता हूँ जॉइंट। नाउ लेट्स लिसन इट अगेन। सो अब हम यहाँ पर चेंज ओवर यूज़ करेंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर देर आर ऑलवेज 4 बीट्स इन द म्यूज़िक। मैंने ये अपने पुराने वीडियो एडिटिंग के ट्यूटोरियल में भी बताया था, जो अगर आपने देखा हो हाउ टू एडिट इन DaVinci Resolve के नाम से एक वीडियो है मेरे चैनल पर। इफ़ यू विल वॉच इट यू विल गेट एन आइडिया कि म्यूज़िक के अंदर 4 बीट्स होते हैं। सो हम 4 बीट्स कम्प्लीट होने के बाद चेंज ओवर करेंगे अपने म्यूज़िक के अंदर। ये है मेरा चेंज ओवर पॉइंट। नाउ आई एम गोइंग टू सी कि इस ट्रैक के अंदर और क्या वैरायटी है मेरे पास। सो ये एक चेंज ओवर है म्यूजिक का। हम चेंज ओवर को यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं एक बार, and let's listen it again. Okay, so now as you can see हमारा जो ट्रैक है वो 36 सेकंड्स के अराउंड पे जाके फिनिश हो रहा है। वी नीड टू मेक इट लिटिल स्मॉलर, सो वी विल लिसन इट अगेन। लेट्स किल दिस बीट आल्सो, इसको ज्वाइन कर देते हैं। लेट्स किल द सेकेंड लूप आल्सो। एक लूप ख़त्म होने के बाद म्यूज़िक को हमने वो पुराना जो लास्ट का ट्रैक था वो ऐड कर दिया है। सो व्हाट वी कैन डू, इट्स स्टिल लॉन्ग क्योंकि इसका ड्यूरेशन अभी भी 25 सेकंड है। सो विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर, और ये जो हमारा सेकंड बीट स्टार्ट हुआ है वी कैन स्टार्ट विद दिस। बीट, इन दोनों को स्टार्ट कर सकते हैं हम एक साथ, और हम नीचे वाले ट्रैक को हल्का सा फेड इन इफेक्ट देंगे सो दैट पहले वो स्मॉल बीट्स हमको सुनाई देगी और फिर धीरे धीरे हमारा हाई बीट वाला चंक मर्ज हो जाएगा। नाउ वी कैन ऐड दिस हियर। सो जो अपर वाला जो पार्ट है, जो स्मॉल बीट है, उसको हम हल्का सा है उसका टेल थोड़ा शॉर्ट करके उसको फेड आउट कर देते हैं। नाउ वी कैन लिसन। So it's looking good. Now the next step is, इसके अंदर हम हल्का सा साउंड इफेक्ट यूज करेंगे, एक इम्पैक्ट साउंड, बैंग साउंड, हार्ड हिट साउंड, दिस साउंड हम वहाँ पर इस चीज़ को यूज़ करेंगे जहाँ हमें लगता है कि थोड़ा सा बीट हमारे लो जा रहे हैं। This is the portion यहाँ पर मैं इसको एक बार ऐड करके देखना चाहता हूँ उसका इफेक्ट कैसा आ रहा है। Now we are coming again after the 4 beats here. Now again after 4 beats, I'm putting it here. This is my last beat, जो कि एंड है मेरे ट्रैक का, वहाँ भी ये हिट के साथ ख़त्म होगा। So ये हमारा म्यूज़िक डिज़ाइन हो चुका है, और I'm again telling everyone कि आप कभी भी कोई ट्रेलर या प्रोमो एडिट करते हैं, कोई सिनेमेटिक फील देना चाहते हैं किसी भी वीडियो को, तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू डिज़ाइन योर म्यूज़िक। अगर आप म्यूज़िक डिज़ाइन नहीं करेंगे पहले और अपने वीडियोस आप प्लेस करते चले जाएंगे और उसके बाद कुछ भी म्यूज़िक लगाएंगे तो वो इम्पैक्टफुल नहीं बनेगा। सो ऑलवेज ट्राई टू डिज़ाइन योर म्यूज़िक फर्स्ट, एंड फॉर दोज पीपल हु जस्ट डू देयर स्टफ इन मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस के अंदर, वो कुछ भी यूज़ करते हैं, ट्रांजिशंस यूज़ करते हैं, इफेक्ट्स यूज़ करते हैं, सो आई विल लाइक टू रिक्वेस्ट देम इफ़ यू वांट टू रियली गिव द सिनेमैटिक लुक दैन यू वंस एटलीस्ट ट्राई ऑन द सॉफ्टवेयर्स, ऑन द कंप्यूटर, ट्राई दैट, यू विल फील 1000 टाइम्स बेटर देन योर मोबाइल एप्लीकेशंस, बिकॉज बहुत कंट्रोल होता है आपके पास जब आप प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है क्योंकि एप्लीकेशंस के अंदर चीज़ें लिमिटेड होती हैं, बट हियर इन द डेस्कटॉप वर्जन, इन पीसी वर्जन, यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई थिंग्स और आपस में मल्टीप्लाई करके उन चीज़ों का आप बहुत सारी चीज़ें जनरेट कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, यू हैव टू ट्राई दिस, एंड दिस इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर DaVinci Resolve। ऑल यू नीड इज जस्ट अ लैपटॉप और पीसी। इफ यू हैव, तो प्लीज़ जंप ऑन द DaVinci Resolve एंड ट्राई टू मेक इट। एंड फ्री म्यूजिक यू कैन डाउनलोड फ्रॉम यूट्यूब लाइब्रेरी ऑल्सो, सभी के पास होता है। आप अपना चैनल बनाते हैं यूट्यूब पर, उसके अंदर आपको यूट्यूब लाइब्रेरी मिलता है, इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको म्यूजिक मिल जाते हैं। Videos, if you want free of course, then you can just download from www.pixels.com or pixabay.com, link आपको description में मिल जाएंगे। So guys, now let's move to the text and video part. So जो text मैंने use किए हैं मैं आपको बता दूँ, ये मैंने Adobe After Effects के अंदर 3D text देने की उनको कोशिश की है, 3D effect देने की कोशिश की है, which is like this, you can see। So इसके लिए मैं एक अलग से एक tutorial रेडी करूँगा जिसमें आप जानेंगे कि मैंने ये किस तरीके से बनाए हैं टेक्स्ट। सो फिलहाल हम इन्हीं टेक्स्ट को यूज़ करेंगे। इफ़ यू वांट टू मेक अ सिंपल टेक्स्ट फॉर एग्जांपल, सो आप यहाँ पर टूल बॉक्स में जा करके टाइटल्स में कोई भी टेक्स्ट का बेसिक टाइटल्स यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। द वेट इज़ ओवर। ओके, आप स्टार्टिंग में जा सकते हैं, सेटिंग में जा कर के इंस्पेक्टर में आप इसको जूम कर सकते हैं, की फ्रेम आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। थोड़े फ्रेम्स आगे आकर के आप इसको वापस इसकी पोजीशन पर ला सकते हैं और हल्का सा और आगे आके इसको हल्का सा और माइनस में ले जा सकते हैं। सो इट विल गिव यू अ इफेक्ट ऑफ दैट योर टेक्स्ट इज कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ द स्क्रीन और वो स्क्रीन के अंदर धीरे धीरे जा रहा है। सो दिस डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको जानना है कि की फ्रेम कैसे वर्क करते हैं तो उसके लिए आप मेरा एडोब आफ्टर इफेक्ट्स का ट्यूटोरियल देख सकते हैं, वीडियो ट्यूटोरियल, जिसके अंदर मैंने की फ्रेम का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पोस्ट कर दूंगा, सो यू कैन वॉच इट। बट दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू यूज़ की फ्रेम्स ऑन द टेक्स्ट। सो मैंने इसी तरीके से ये टेक्स्ट सेम बनाए हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, जिनको कि मैं बहुत ही जल्द आपको सिखाने वाला हूँ, सो यू कैन यूज़ इट। Now we are going to take the second from this cut, the second text, क्योंकि हमें इसका ऑडियो नहीं चाहिए तो हम इसका ऑडियो कर देते हैं डिलीट। And always remember whatever text you use, जो भी आप text use करते हैं, जो भी आप वीडियो यूज़ करते हैं, वो म्यूज़िक के बीट्स के ऊपर चेंज होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसका इफ़ेक्ट आता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ट्रेलर एंड टीज़र और प्रोमो इज़ योर म्यूज़िक डिज़ाइन, और उसका डबल इफ़ेक्ट जब आएगा जब आप उस म्यूज़िक डिज़ाइन के बीट्स पर अपने शॉर्ट्स को या टेक्स्ट को चेंज करेंगे। एज यू कैन सी मैंने दो टेक्स्ट यहाँ पर अप्लाई किए हैं, दोनों टेक्स्ट को मैंने म्यूज़िक बीट्स पर चेंज ओवर किया है। सी So this gives an amazing feel। So अब यहाँ पर मैं कुछ शॉर्ट्स अपने इंपोर्ट करूँगा जो कि मैंने टीजर में यूज़ किए हैं। So ये कुछ शॉर्ट्स हैं ब्लॉग से निकाले हुए। सो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, किसी भी वीडियो को यूज़ करते वक्त, किसी भी क्लिप को यूज़ करते वक्त आपको इस बात का बेहद ध्यान रखना है कि उस क्लिप का स्टार्ट पॉइंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए। सो व्हाट इज़ द परफेक्ट स्टार्ट पॉइंट फॉर दिस क्लिप, और इस क्लिप का अगर स्टार्ट पॉइंट आप देखेंगे तो जब ये ऊपर उठना चालू होते हैं, जब ये ऊपर उठना शुरू होते हैं तो दैट इज़ द परफेक्ट स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो हम इसको उसी फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। नाउ दिस इज इनफ। म्यूजिक के दो बीट्स पर हमने शॉर्ट्स को प्लेस किया है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज ऑन द थर्ड बीट अपना टेक्स्ट। सो वी आर टेकिंग द थर्ड टेक्स्ट नाउ, द एक्शन ब्लॉक। व्हाट वी कैन डू, हम इसको शॉर्ट को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। टू बीट्स के ऊपर ना रख करके हम इसको सिंगल बीट पे ही रखते हैं, सो इट विल गिव अस मोर इम्पैक्ट। और इसको भी हम यहीं पर डिलीट कर सकते हैं। इट डजंट मैटर कि जो टीज़र हमने अभी, जो आपने फुल प्रोमो या टीज़र देखा है इस ब्लॉग का, वो जरूरी नहीं कि हम एज इट इज़ बनाएं, उसको और इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। वी विल ट्राई हार्ड कि इसमें हम और क्या कर सकते हैं। सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट ट्राई टू मेक इट मोर कैची। सो इस पॉइंट पर जहां हमें शॉर्ट रिप्लेस करना था, इफ़ वी थिंक वी डू नॉट वांट टू चेंज द शॉर्ट्स, तो हम इस टेक्स्ट को ही हल्का सा जूम कर सकते हैं। सो इट विल गिव अस ए गुड इम्पैक्ट। सी बेसिकली वीडियो एडिटिंग इज जस्ट एन आइडिया कि आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को प्लेस करते हैं, किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी। आप किस तरीके से खेलते हैं उस म्यूजिक के ऊपर जो आपने डिज़ाइन किया है। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द शॉट एंड आई एम गोइंग टू टेक दिस शॉट हियर। सो दिस इज द शॉट। सो हम इसको 3 बीट्स में डिवाइड करेंगे, 3 बीट्स यानी कि देयर आर 3 बीट्स। सो इन 3 बीट्स पे तो फर्स्ट बीट जो कि हमारी यहाँ से स्टार्ट होकर आती है यहाँ तक, यू कैन सी इन द वेव फॉर्म नीचे ऑडियो के अंदर, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर हम दोनों को एक दूसरे को देखते हुए शॉट लगाएंगे। तो हम थोड़ा सा आगे जाएंगे नेक्स्ट बीट पे, यहाँ पे इसको कट करेंगे और यहाँ पर हम इसको जूम करेंगे और इसको बना देंगे हम शिवाय का मिड शॉट। और यहाँ आगे आएंगे अगले शॉट पे और इसको बना देंगे हम वीर का मिड शॉट। ओके, नाउ लेट्स सी। और ये नेक्स्ट शॉट पर हम इनको आगे बढ़कर अटैक करते हुए दिखाएंगे एक दूसरे के ऊपर। वेरी नाइस। तो हम इसको यहाँ पर खत्म कर देते हैं शॉट को। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू द टेक्स्ट, लेट्स सी व्हाट इज आवर नेक्स्ट। टेक्स्ट इज वीर, लेट्स टेक द वीर टाइटल फर्स्ट। Now again we can just इस कट पे we can just zoom in and position in the center. Now again we can use the next shot, yes, which is this fight. So हम इस fight को लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यू कैन सी वीर जो है वो शिवाय को हिट कर रहा है। सो इस कट पॉइंट को हम यूज़ करेंगे एज ए इफेक्ट। सो हम क्या करेंगे, बीच वाले शॉर्ट्स को आपने देखा, मैंने पहले शॉर्ट्स को यहाँ से लेकर यहाँ तक बीट पे कट किया, फिर से मैंने थर्ड बीट पे कट किया। अभी जो मेरा बीच का जो सेपरेट शॉट बन गया वीडियो का, इसको मैं जूम करके थोड़ा स्क्रीन के पास लाऊँगा, थोड़ा सेंटर में फिट करूँगा। So it's giving us more effect, थोड़ा और पेसी ये हमारे फील को कर रहा है। Okay, so this thing here we do not want. Now we want a text which is Shivai. Okay. Again we can cut it, we can zoom it like this, so it will give a good effect. Again on this music beat here, see, इस music beat पे हम इसको stop कर देते हैं। Now let's see what are our next shots we have here. Okay, we have some amazing fight shots here. मैं सिर्फ वही शॉट्स आपको दिखा रहा हूँ जो कि हमने ट्रेलर में एक्चुअली यूज़ किए हैं, क्योंकि मैं स्पॉइल अलर्ट वाली सिचुएशन में नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा व्लॉग है, आप सबको देखना होगा। ये व्लॉग बहुत ही, मुझे खुद इसको एडिट करते हुए बड़ा मज़ा आया एंड आई वाज फीलिंग सो नाइस कि चलो एक अच्छा एक्शन व्लॉग मिला काफ़ी दिनों में एडिट करने के लिए भी और देखने के लिए भी। बहुत अच्छा, बहुत मेहनत से शूट किया है। हालाँकि यू नो सेट पे बहुत क्राउड होता है, बहुत हार्ड होता है इस तरह की चीज़ों को कैप्चर करना, बट Veer and Shiva did very well and their team जिन्होंने शूट किया है they did very well in this. So here we are going to take the next shot. So guys, हमारी जो 3 बीट्स थी वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं, यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा बीट को हम फिर से मैनेज करेंगे। इस टेक्स्ट को हम दोबारा से इंक्रीज कर देंगे और रीपोजिशन कर देंगे, सॉरी, और इसको हम वापस नेचुरल फॉर्म में ले आएंगे। सो इट इज़ लाइक नॉर्मल, देन जूम, देन नॉर्मल। So this is the first action shot, this is the second action shot, and this kick is the third action shot. और क्योंकि तीनों शॉट एक ही मैग्नीफिकेशन के हैं, तो हम बिडल वाले शॉट की मैग्नीफिकेशन चेंज करेंगे, यानी कि इसको हम हल्का सा जूम और रीपोजिशन कर देंगे सो दैट इट विल लुक लाइक लिटिल डिफरेंट. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव लेफ्ट. नथिंग. सो नाउ वी आर गोइंग टू द शॉट्स दैट वी हैव हियर. More shots. This is the beat change, shot change. Beat change and shot change, always remember. So we do not need this, we need this. Now this is the time जहाँ पर हम अपने main title को place करेंगे. This is our main title. We can see Veer versus Shivai. Here we are going to place the main title. तो इसको हम रखते हैं यहाँ पर. और जब ये टाइटल स्टार्ट होगा, क्योंकि दिस टाइटल इज स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लैक, सो व्हाट वी विल डू, हम इस शॉट को भी फेड आउट कर देंगे, यानी कि 100% ओपेक है ये इस समय, इसकी ओपेसिटी को हम बिल्कुल डाउन कर देंगे, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा देंगे बेसिकली. नाउ वी कैन प्ले हियर लाइक. यहाँ वी कैन सी देर आर 3 बीट्स. अगेन इस शॉट के हम पीसीस कर लेते हैं बीट्स के ऊपर और इसको जूम करके लेके जाते हैं वीर के ऊपर. जूम एंड रिपोजिशन, देन वी कम हियर, दिस टाइम वी से वर्सेस. ओके, लेट्स मेक इट शिवाय ओनली, नॉट द वर्सेस. वी विल प्ले लिटिल डिफरेंट. The third one is versus. इसको हम zoom करेंगे इधर like this, repositioning करेंगे. Editing on DaVinci Resolve is very very easy. ऐसे लोग जो कि Premiere Pro पे काम करते हैं वो समझ जाएंगे देख कर के कितना easily इस पे हो रहा है. So we will stop it here. और अब हम इसमें डालेंगे अपना इन्फो. वी विल टेक अ टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट हियर, टाइटल टेक्स्ट. उस पर लिखेंगे टाइटल एक्शन ब्लॉग और इसको हम देंगे एक बेटर फॉन्ट. ओके, वी विल मेक इट बोल्ड, साइज लिटिल बिट इंक्रीज्ड, color we will give it dark red, little more bright. Okay, and we will place it little up here. Okay, now we are going to make a copy of this same और इस पर हम लिखेंगे coming soon और इसको position करेंगे down. And whatever extra information you want to write, you can write it here, like the YouTube handle of Abhishek Nigam or your, if you're making yours. So now we will preview it once. this was the today's session, that how I edited the trailer of Veer versus Shivai action vlog, and I think we did it very fast, and I hope you loved it. If you like it, please like, share my channel and subscribe my channel, and please spread my channel. I need your support, I need your help in this, because मैं चाहता हूँ कि सब लोग ये सब सीखें, और जितने भी जो भी ऐसे कुछ लोग हैं जो वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर, बट ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज वो सीख नहीं पा रहे हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से. सो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो 17 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ कि मैं वो स्प्रेड करूँ, सब वीडियो एडिटिंग जो सीखना चाहते हैं वो सीख जाएँ और अपने करियर को आगे बढ़ा सकें, अपने खुद के वीडियोज़ बना सकें. सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.